मोड में आपको मेडिसिन को विदड्रॉ कर, सैचुरेशन मोड का मतलब हो गया कि नाउ द पेशेंट डोंट रिक्वायर द फर्दर मेडिकेशन, ही सेल्फ सफिशियंट टू हेल्प हिमसेल्फ, है ना। पेशेंट हेल्पलेस होता है ना, इसीलिए हमारे पास आता है। जब वो हेल्पलेस अपने को फील नहीं करेगा, खुद अपने को स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो हमें दवा देने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा जो सोच है मेडिसिन के पोटेंशियल के कंटिन्यूटी के विषय में, तो हम लोग कहते हैं कितने डोज दें, सुबह दें शाम दें, ये कहीं पर इसका तो कोई कंसेप्ट है नहीं, सही कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो लेकिन जब हैनिमेनियन थॉट्स में जाइएगा, उनके विचार को आप जब एनालिसिस करिएगा, तो उन्होंने कहा कि इनर्जी, फ्लो ऑफ इनर्जी, और सभी जगह पर हैनिमेन अपने बाद में सिक्स एडिशन में आने के पास में, तो उन्होंने इतने फिफ्थ एडिशन से ही उनकी बात शुरू हो गई थी। वाइटल फोर्स जो है, सो आपको फिफ्थ एडिशन, फोर्थ एडिशन में उसका हिंट्स है, फिफ्थ एडिशन में उसका उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया, सिक्स एडिशन में उसको उन्होंने रिफाइन करा। क्योंकि हम फोर्स कहते हैं तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्स, एंड बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द फोर्स, दैट देयरफॉर वी शुड कॉल इट नॉट द फोर्स बट द प्रिंसिपल। चलो प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, समडे वी मे डिस्कवर कि व्हाट टाइप ऑफ द एनर्जी इट इज। ओके, सम पीपल थिंक दैट के द एलएम पोटेंसीज आर जीरो पोटेंसीज आर नॉट मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू सेंटिसिमल स्केल, व्हाट डू यू से? सर, ओनली थिंग इज दैट के व्हेन वी न्यू अबाउट द एलएम पोटेंसी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम कब जाने? हम जब जाने कि सिक्स एडिशन हमको मिला। सिक्स एडिशन हमको कब मिला? हैनिमेन के मरने के बहुत दिनों के बाद जब वो अवेलेबल हुआ। तो तब तक जितने समय तक हम लोग क्या यूज करते रहे, पूरा दुनिया क्या यूज किया, इवन केंट क्या यूज किए? केंट ने कभी एलएम पोटेंसी यूज किया? नहीं, कभी नहीं किया। एलएम ने उतना सेंटिसिमल है। तो अब हम जब हम किसी अपने शागिर्द का, अपने गुरु का जब हम नाम लेते हैं, तो कहते हैं केंट साहब तो एलएम 50 मिलीसीमल ये थी सेंटिसिमल देते थे, तो मैं भी दे रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस का है, ट्रेडिशनल। लेकिन जब ये आया तो इसके एक्सपीरियंस कितने हैं? एलएम पोटेंसी के एक्सपीरियंस तो उसी समय से है जबकि 1926 या ऐसा कुछ है अपडेट, मुझे एग्जैक्टली याद रहे, मेमोरी में डेट के विषय में बहुत कमजोर है। जब से हुआ तब से हम लोग जानने लगे, और उसके बाद भी क्या, इंडिया में देख लीजिए ना, एलएम पोटेंसी डॉक्टर पटेल ने इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर चौधरी ने इंट्रोड्यूस किया, और उसके पहले कहाँ कोई जानते थे? दवा इंडिया में अभी हम लोग को नहीं मिलता था। पटेल साहब पहली बार देने लगे, उसके बाद में कलकत्ता से हैपको से आने लगा, अभी तीसरा एक है। अभी भी बहुत लेट, अभी देखिएगा कि बारन लाया है, एसबीएल लाया है इंडिया में, लेकिन जो ओरिजिनल है आपको हैपको का हम लोग कलकत्ता में यूज कर रहे हैं, ये बहुत लेट है, लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कंपेरेटिव स्टडी तब होगा ना जबकि आप यूज करोगे, जब यूज नहीं किए तो। मैं भी अपने लाइफ में कब यूज करना चाहिए, मैं पास कर गया 75 में DHMS, उस समय से प्रैक्टिस कर रहा, कैसे दे रहा था 30, 200, 100 दे रहा था। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं अबाउट 89 या 85 के आसपास से मैं एलएम पोटेंसी हमारे मिलने लगे, और पहले पूरा मिलता भी नहीं था। जैसे आपने कहा कि 1 के बाद में मेरे पास 10 है, पूरा रेंज है नहीं, तो आपको उसके बीच का तो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। तो हम लोग को भी यही स्थिति, लेकिन आज हमारे पास में पूरा रेंज है, हम 1 से लेकर के 30 तक में रखे हुए हैं हर एक पोटेंसी मेडिसिन का। लेकिन आज भी क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि एलएम पोटेंसी में नहीं मिलती, और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर कितना बनाएगा आपने, इसलिए एक्सपीरियंस का मेन इसका जो है एक्सपीरियंस। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जेन्युइन में अगर आप विश्वास करते हैं तब, तो हमें तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन एंड मोर रिफाइंड दैन ये सेंटिसिमल एंड अदर स्केल ऑफ द पोटेंसी, और यू कैन से द मोस्ट कॉम्पैटेबल एंड हारमोनियस पोटेंसी फॉर द ह्यूमन लाइफ, एलएम पोटेंसी। थैंक यू वेरी मच।